ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए एक स्टेशन, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि नॉर्मली पेट्रोल पंप्स होते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में जब ज्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो इसकी जरूरत भी काफी ज्यादा होगी। आज IID आपके लिए एक ऐसे सर्विस सेक्टर के बिजनेस के बारे में जानकारी लेकर आया है जिसे आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करके आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आने वाले टाइम पे आपको इलेक्ट्रिक कार्स हर जगह देखने को मिलेगी। ऐसे में देयर इज अ नीड फॉर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस। IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आज आपके लिए लेकर आया है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसकी मदद से आप जानेंगे कैसे आप ये बिजनेस कर सकते हैं। हाउ ईवी चार्जिंग स्टेशन वर्क्स। इलेक्ट्रिक कार्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आने वाले टाइम पर हमें रोड्स पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलेगी। ऐसे में जब इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो ईवी चार्जिंग स्टेशन की एक जरूरत हमें चाहिए होगी। तो आज की इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। मेरे पीछे आप ये ईवी चार्जिंग स्टेशन देख सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी ईवी कार्स को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित खोसला है और मेरी कंपनी का नाम है ईवी प्लग इन चार्ज। मैंने ये कंपनी खोली थी मार्च 2019 में और इसको मैं स्टार्ट किया था 4 स्लो और 1 फास्ट चार्जर के साथ। जो चार्जर हमारे स्लो है वो है टाइप 2 7.4 किलोवाट और जो फास्ट है वो है DC001 जो गवर्नमेंट अप्रूव है 15 किलोवाट का। और इसको चलाने के लिए मैंने अपना इनहाउस एप्लीकेशन डेवलप करा है जिसमें से कस्टमर को पहले डाउनलोड करना पड़ता है, बुकिंग करनी पड़ती है और जब वो बुकिंग करता है तो उसको स्लॉट नंबर भी अलॉट हो जाता है बुकिंग के साथ, जिसमें से उसको मालूम होता है कब आना है, कौन से स्लॉट पे आने के चार्ज लेना है। इन्वेस्टमेंट इसमें शुरू हुआ था 12 लाख के साथ, जिसमें मेरा चार्जर भी आए, मेरे सॉफ्टवेयर भी डेवलप्ड हुआ और उसके साथ मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। इसका प्रॉफिट फ्यूचर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। इसमें प्रॉफिट इस तरीके से आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, कोई आदमी पिक्चर देखने आता है, वो 3 घंटे पिक्चर देखता है और 1 घंटे फूड कोर्ट में स्पेंड करता है, तो 4 घंटे में अगर स्लो चार्जिंग लेता है तो उसकी गाड़ी 70-80% चार्ज हो जाती है और वो चार्ज लेके चला जाता है, जिसमें से उसकी बेसिकली जो सेविंग होती है वो है पार्किंग चार्जेस। मेरे टैरिफ में पार्किंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और इंफ्रा तीनों ही इंक्लूड होते हैं। एरिया बिजनेस के लिए जो है बहुत जरूरी है एरिया, तो आपने एरिया का कैसे चूज किया और अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस में स्टेप इन करना चाहता है वो कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकता है? एरिया में मैंने चूज किया पहले मॉल्स, मॉल्स भी वो जिनमें सिनेमा हॉल हो, क्योंकि जब आते हैं कस्टमर्स सिनेमा देखने तो वो एटलीस्ट 3 आवर्स सिनेमा देखते हैं और 1 आवर फूड कोर्ट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो 4 आवर्स में उनकी गाड़ी एटलीस्ट 70-80% चार्ज हो जाती है, तो वो उनको बेनिफिट करेगा। जब तक उनकी गाड़ी, जब वो मूवी देख कर आएंगे उनकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। मैन पावर, इस बिजनेस के लिए आपको एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी। इलेक्ट्रिसिटी, इस पूरे प्लांट के सेटअप के लिए आपको लगभग 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। मार्केटिंग, इस बिजनेस की इनिशियली आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं? बेसिकली ये हमारा ऑनलाइन है, फेसबुक, लिंक्डइन, एडवर्टाइजिंग बाय यूट्यूब, इन सब के थ्रू हम कर रहे हैं। लाइसेंस, और अगर हम लाइसेंस की बात करें इस बिजनेस के लिए कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी? सबसे प्लस पॉइंट और अच्छी बात यह कि इसमें लाइसेंस ही नहीं चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला हुआ है कि आपको ये स्टेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी नोटिफिकेशन भी है। तो आज की इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हमने जाना ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी। अगर आप कोई क्रिएटिव और यूनिक बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं, तो इसमें IID आपका पूरा सहयोग देगा। आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट करके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन की टैब में क्लिक करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज और बिजनेस की जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर
कॉन्टैक्ट करके अपने मनपसंद बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं।